वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th के चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3B। और जो ये वीडियो है आपको इसमें आर्यस अग्रवाल के एक्सरसाइज 3B का सॉल्यूशन आप सभी को बताया जा रहा है। तो इसमें जो हमें पहला क्वेश्चन दिया गया एक्सरसाइज 3B में, इसमें हमें दे रखा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड दूसरा दे रखा है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 26। यहाँ पर हमें दो लीनियर इक्वेशन गिवन है और इनको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये होता है कि हमें किसी एक इक्वेशन को यूज़ करके उसमें से x या y की वैल्यू को फाइंड करके दूसरे वाले में सब्स्टिट्यूट करना होता है। यानी कहने का मतलब कि अपने पास ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो हम क्या करेंगे कि पहले इक्वेशन में से फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू, अगर हम y प्लस y का साइड चेंज करें तो क्या हो जाएगा 3 माइनस वाई। यानी हमें क्या मिल गया, x इक्वल टू आ गया 3 माइनस वाई। अब इसकी जो वैल्यू है x इक्वल टू 3 माइनस वाई है, इसको हम क्या कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड जो x की वैल्यू आई x इक्वल टू आया 3 माइनस वाई, इसको हम क्या करें इक्वेशन सेकेंड में x के वैल्यू पे जहाँ x लिखा है वहाँ पे पुट कर दें। यानी क्या होगा कि 4 और x के प्लेस पे क्या लिखाएगा, तो 3 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 26। यानी क्या हो जाएगा, तो 4 3 12 -4y -3y इज इक्वल टू में 26। यानी जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 -7y इज इक्वल टू में 26। ठीक है, अब जो नंबर वाले टर्म्स हैं उनको हम एक तरफ शिफ्ट कर देंगे तो -7y इज इक्वल टू क्या होगा, तो 26 - 12 यानी -7y आ जाएगा 14, y की वैल्यू आ जाएगी -2। जब 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे -7 से तो y कितना आ जाएगा -2। जब y -2 होगा तो x क्या होगा, तो x इक्वल टू क्या है 3 - y है। यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 3 - -2 तो x आ जाएगा आपका 3 + 2, x आ गया 5। तो इस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये पहले का सॉल्यूशन था। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है x - y इज इक्वल टू 3 एंड x अपॉन 3 + y अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। हमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं और हमें क्या करना है, तो इनको सिंप्लीफाई करके x एंड y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले जो सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया गया इसको हम एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसका हम 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होगा 6 हो जाएगा, 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में, यानी कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। यानी क्या हो गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू आ गया 36। ठीक है, तो हमारा जो सेकेंड इक्वेशन पहले ये था, अब वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम जब ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे तो थोड़ा इसको सॉल्व करने में इजी होगा, आसानी होगा। अब यहाँ हमें क्या दे रखा है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं फ्रॉम द फर्स्ट पहले वाले से क्या लिखा सकता है कि x इज इक्वल टू में जब माइनस वाई का साइड चेंज करेंगे तो 3 + y। अब हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, तो 3 + y। अब इस x की वैल्यू को जो 3 + y आया है उसमें को हम यहाँ करके उठा करके कहाँ पुट कर देंगे, जहाँ पे क्वेश्चन इक्वेशन 2 में जहाँ पे x लिखा है वहाँ हम क्या पुट कर देंगे 3 + y। यानी 2 × 3 + y + 3y इज इक्वल टू में 36। यानी 6 + 2y + 3y इज इक्वल टू में 36। यानी कि 6 + 5y इज इक्वल टू में 36। यानी 5y क्या हो जाएगा, तो 36 - 6 5y आ जाएगा 30, y की वैल्यू हो जाएगी 6, क्योंकि जब हम 5 से 30 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो 6 आएगा। यानी जब y 6 होगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 + 6, x आ जाएगा 9। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे y हमें मिला है 6 और x मिला है 9। देन जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है क्वेश्चन नंबर थ्री में दिया गया है
2x plus 3y is equal to 0 and जो इसका सेकेंड इक्वेशन है 3x plus 4y is equals to 5. अब हमें क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है. तो यहाँ देखिए सिंपली हमें गिवन है 2x plus 3y is equal to 0. तो पहले इक्वेशन से फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट और फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट अगर पहले इक्वेशन से लिखा जाए तो हम 2x को क्या लिख सकते हैं, 2x इक्वल टू माइनस 3y, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो माइनस 3y अपॉन में 2. हम क्या करें, जो x की वैल्यू आई है माइनस 3y बाई 2, इसको हम क्या करें कि फर्स्ट वाले इक्वेशन में, सेकेंड वाले इक्वेशन में जहाँ पे x दे रखा है वहाँ पे इसको, इसकी वैल्यू को हम लोग पुट कर दें. तो क्या होगा, 3 माइनस 3y बाई 2 प्लस में 4y इज इक्वल टू में 5, यानी क्या हो जाएगा, तो माइनस 9y अपॉन 2 प्लस में 4y इज इक्वल टू में 5. जब हम 2 और 1 कैल्शियम लेंगे, कैल्शियम क्या आ जाएगा 2, यानी माइनस 9y प्लस में 8y इज इक्वल टू में 5. देन 9y में से अगर हम 8y को माइनस करते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 5, यानी क्या आ गया, तो माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया 10, यानी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 10. वाई क्या आ गया, माइनस 10. जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें वाई इज इक्वल टू क्या मिला है, माइनस 10. तो अगर हम y की वैल्यू को यहाँ पे पुट करें तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 3 इंटू में माइनस 10 बाई 2, यानी x क्या आ जाएगा, तो 30 बाई 2 x हो जाएगा 15. ठीक है, तो जब y माइनस 10 है तो x क्या है, 15 है. तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन. देन जो अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3B का, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू में 13 एंड 7x माइनस 2y इज इक्वल टू में 20. ये हमें दो इक्वेशन दिए गए हैं और हमें इन दोनों को सिंप्लीफाई करके x एंड y की वैल्यू को फाइंड करना है. तो हम वही सेम तरीका यूज़ करेंगे कि पहले हम लोग पहले वाले इक्वेशन में से x की वैल्यू को फाइंड करेंगे. देखिए जरूरी नहीं कि आप हर बार x को ही फाइंड करें, और आपका मन करता है तो आप y फाइंड कर लें और y की वैल्यू को दूसरे वाले में पुट करके सॉल्व कर दें. ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले वाले में से हम लोग x की वैल्यू को फाइंड करेंगे. तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 13 प्लस में 3y. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 प्लस में 3y बाई 2. अब जो हमें यह x मिला है इसको हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में जहाँ पे x दिया गया वहाँ पे इसको हम लोग पुट कर देंगे. तो 7 इंटू में 13 प्लस 3y अपॉन में 2 माइनस 2y इज इक्वल टू में 20. तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 से 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 प्लस में 21y अपॉन में 2 माइनस में 2y इज इक्वल टू में 20. देन अगेन जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 91 प्लस में 21y 2 टू जै माइनस 4y बाई 2 इज इक्वल टू में 20. ठीक है, देन अब क्या करेंगे हम लोग, तो सिंपली हमें अब करना क्या है कि 20 से 2 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 91 प्लस में 21y माइनस 4y इज इक्वल टू में 40, यानी 17y इज इक्वल टू में 40 माइनस 91, यानी 17y आ गया आपका माइनस 51, y आ जाएगा माइनस 51 बाई 17, y आ गया माइनस 3. यानी जब हमने x की वैल्यू जो कि आई थी 13 प्लस में 3y बाई 2, इसको जब हमने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन में x के प्लेस पे पुट किया और जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 3. अब हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x, तो हमें कुछ नहीं करना है, जो x हमें दे रखा है कि x इक्वल टू क्या था, 13 प्लस में 3y बाई 2, यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू को पुट कर देंगे. यानी x क्या हो जाएगा, 13 प्लस में 3 इंटू में माइनस 3 अपॉन 2, यानी x क्या आ जाएगा, तो 13 माइनस 9 बाई 2 जो कि होगा 4 अपॉन 2, x इक्वल टू हो जाएगा 2. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जितने भी सब्सटीट्यूशन मेथड वाले क्वेश्चन हैं उनको हम लोग आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं. देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है
3x माइनस 5y माइनस 19 इज इक्वल टू जीरो, एंड दूसरा में दे रखा है माइनस 7x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। हमें इसको सिंप्लीफाई करके x एंड y की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सिंपली कि अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने अभी तक मैंने आपको चार क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया जिसमें मैंने आपको पहले x की वैल्यू फाइंड की और देन हमने उसको x के प्लेस पे पुट करके सॉल्व किया है, लेकिन इसमें हम लोग पहले अब y को सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर पहले इक्वेशन से देखा जाए तो हम लिख सकते हैं 3x माइनस 19 इज इक्वल टू 5y, ठीक है। सिंपली क्या करना है, जो माइनस 5 है साइड चेंज करेंगे तो प्लस 5y हो जाएगा। अब y को हम लिख सकते हैं 3x माइनस 19 बाई 5, यानी y इज इक्वल टू आ गया 3x माइनस 19 अपॉन में 5। अब सेकेंड इक्वेशन में जहाँ पे y लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 3x माइनस 19 अपॉन में 5, यानी कि माइनस 7x प्लस में 3x माइनस 19 बाई 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, माइनस 7x प्लस में 3 जा 9x माइनस 57 अपॉन में 5 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस 1, ठीक है। क्या था, मैंने क्या किया कि प्लस 1 था, साइड चेंज कर देंगे माइनस 1। अब यहाँ पे अगर हम 1 और 5 का एलसीएम लें तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 5, 5 से बन जा 35x प्लस 9x माइनस 57 इज इक्वल टू में माइनस 1। अब अगर 5 का साइड चेंज करेंगे तो 5 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा, तो माइनस 35x प्लस 9x माइनस 57 इज इक्वल टू में माइनस 5। देन अब अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें, जो कि अपने पास आ रखा है माइनस 35x प्लस 9x माइनस 57 इज इक्वल टू माइनस 5। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 35x में से अगर 9x को माइनस किया जाए तो अपने पास बचेगा माइनस 26x इज इक्वल टू में माइनस 5 प्लस में 57, यानी माइनस 26x इज इक्वल टू में 52, यानी x की वैल्यू क्या होगी, तो 52 अपॉन में माइनस 26, यानी x आ गया माइनस 2, तो x क्या आ गया माइनस 2। तो हमें x मिल गया माइनस 2। अब हमें फाइंड क्या करना है, y। तो y को फाइंड करने के लिए हम लोग x की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, तो y इक्वल टू था अपने पास 3x माइनस 19 बाई 2, यानी y क्या हो जाएगा, 3 इंटू में माइनस 2 माइनस 19 बाई 2, ठीक है, सॉरी बाई 5। तो यहाँ y इक्वल टू क्या आएगा, तो माइनस 6 माइनस 19 बाई 5 जो कि हो जाएगा माइनस 25 बाई 5, आंसर क्या आ जाएगा माइनस 5। तो इस तरीके से हम लोग जो भी सब्सटीट्यूशन मेथड वाले क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का सॉल्यूशन बताया है, आगे आपको जो भी आपके क्वेश्चन बचे हैं उनका सॉल्यूशन बताया जाएगा। थैंक यू।